हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज। हम बात करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के बारे में, और साथ ही साथ में आपको इनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशंस भी लेकर दिखाने वाली हूँ। सबसे पहला कोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो यू अकेडमी की तरफ से है, जो कि गूगल एनालिटिक्स बेसिक्स फॉर बिगनर्स का कोर्स है। इस कोर्स की अच्छी बात ये है कि ये कोर्स जो है आपके पास स्टडी वेब मार्केटिंग के अलावा गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप इस कोर्स के अंदर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को रेफरेंस के तौर पर अपने डेली लाइफ बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ ये आपको इस चीज के लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप रियल लाइफ के अंदर गूगल टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड जो पावर टूल्स होते हैं उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ये कोर्स कौन कौन कर सकता है, तो आप चाहे स्टूडेंट हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, मार्केटर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो, या एनालिटिक्स हो जो एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, हर वो बंदा इस कोर्स को आसानी से कर सकता है। इसके अंदर इसका अकाउंट स्ट्रक्चर है, मॉडल के अकाउंट्स है, डेमो अकाउंट्स के अलावा ये आपको रिपोर्टिंग के सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक हिसाब से ही काफी अच्छा कोर्स है लोगों के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं। सेकंड कोर्स हमारे यू अकेडमी की तरफ से है क्रूसो पावर बीआई। अगर आपको पता हो कि क्रूसो पावर एक मेंटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंट के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर इस कोर्स के कंटेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बिजनेस इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर आपको उसे विंडोज में किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से उस प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को वर्सेटाइल कर हम डिफरेंट एक्यूमुलेटेड एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ रिलेट आउट करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी। काफी अच्छा कोर्स है ये भी लोगों के लिए जो बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं। ये सब कोर्सेज बताने के साथ साथ मैं आपको एक अदद कोर्स कर भी दिखाने वाली हूँ, और उसका सर्टिफिकेशन भी आपको इसी वीडियो के अंदर लेकर दिखाऊंगी। तीसरा कोर्स है हमारा यहाँ पर यू अकेडमी की तरफ से पावर बी आई जीरो टू हीरो, अ प्रैक्टिकल गाइड टू बिल्डिंग डैशबोर्ड विद पावर बी आई। ये कोर्स वो है जिसमें आपको जीरो से लेकर एंड तक पावर बी आई के बारे में सब चीजें पढ़ा जाएंगी। अगर आप बेसिक लर्निंग करना चाहते हैं पी पावर बी आई से रिलेटेड, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, और उन सब चीजों को डिजिटल मार्केटिंग के सिनेरियो के अंदर कंबाइन करते हैं, तो ये कोर्सेज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो उनका अनलिमिटेड गोल यही होता है कि किसी भी तरीके से अपने बिजनेस के थ्रू रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में। जो सर्टिफिकेशन कोर्स मैं विदाउट एनी कॉस्ट आपको करा रही हूँ बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो आइट्रॉनिक सॉल्यूशन की वेबसाइट से है। आइट्रॉनिक सॉल्यूशन बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है इन कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स कराए जाते हैं उनकी अच्छी बात यह है कि विदाउट एनी कॉस्ट होते हैं, और साथ ही साथ इनके सर्टिफिकेशन ISO वेरीफाइड होते हैं जो कि खुद काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से आइट्रॉनिक सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वेबसाइट के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट डेफिनेटली आइट्रॉनिक सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर होगा, अदरवाइज सिंपली अपनी आईडी और अपना पासवर्ड देकर आइट्रॉनिक सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन कर जाइए।
अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज आ रहा होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक कोर्स नज़र आएगा बिजनेस इंटेलिजेंट एंड एनालिटिक्स के नाम से। आपने इस वाले कोर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की विंडो आपके पास ओपन अप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्पज़ बताया गया है कि जो भी डेटा स्टोर होता है वर्क हाउसेस के अंदर, वेयर हाउसेस के अंदर, और आप किस तरीके से हैंड लूप और क्लस्टर का इस्तेमाल कर बिजनेस इंटेलिजेंस की नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पर, तो आप पावर बी आई का इस्तेमाल स्पेशली अपने लॉग फाइल के लिए, अपने सेंसर डाटा के लिए, टेक्स्ट और अदर टाइप का अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए पावर बिजनेस इंटेलिजेंट और बिजनेस इंटेलिजेंट एंड एनालिटिक्स को हम यूज करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गेट इन रोल के नाम से। इस वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो रीडायरेक्ट होगी और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आप इस कोर्स में सक्सेसफुली इन रोल कर गए हैं। फर्दर और आपको मैं बताऊँ यहाँ पर, तो मैं अपने चैनल पर आइटॉनिक सोल्यूशन के सारे कोर्सेस कराती हूँ जो कि इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में नजर आ रहे हैं। इस सबसे रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर आइटॉनिक सॉल्यूशन की कंप्लीट वेबसाइट है, तो इस कोर्स के बाद उसे विजिट करना मत भूलिएगा। डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, विदाउट एनी कॉस्ट आपको जो है वो आसानी से सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। अब हम अपना बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स यहाँ से शुरू करते हैं। कोर्स के सामने आपको यहाँ पर स्टार्ट लेसन का एक बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बता दूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपके पास टोटल 15 MCQs के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन का एक अदद ग्रेडिंग पॉइंट रहेगा और आपको एट द एंड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको सर्टिफिकेशन लेकर दिखाने वाली हूँ। सर्टिफिकेशन को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर वन के सामने एक अदर चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा। मेक श्योर कीजिएगा कि इस चेकबॉक्स के ऊपर टिक मार्क लाजमी हो, अदरवाइज एट द एंड आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। अब एक एक कर अपने क्विज को शुरू करते हैं और मैं इन सबके आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वॉट इज डेटा नॉलेज? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम डेटा थ्रू द यूज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंट टूल एंड द प्रोसेस ऑफ डेटा वेयर हाउस। सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्प्रेडशीट इज अ थ्री डायमेंशनल एनालिसिस टूल। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग BI टेक्निक्स कैन प्रिडिक्ट वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक डेटा आइटम एट्रीब्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पोरल एंड सीक्वेंस पैटर्न एनालिसिस टेक्निक ऑफ BI। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं, डैश इन बिजनेस Intelligence allow huge data and reports to be read in a single graphical interface. So it is called dashboard. अच्छी बात यह है कि आपके और मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, तो वीडियो को आप जो है साथ साथ ही देखते रहिए और साथ ही साथ अपने कोर्स भी कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट मेक BI 2.0 डिफरेंट? जिसका करेक्ट आंसर रहेगा डायनेमिक क्यूरिंग ऑफ रियल टाइम कॉर्पोरेट डेटा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, बेनिफिट ऑफ यूजिंग बिजनेस इंटेलिजेंट फॉर स्केल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर एट है, अ बिजनेस इंटेलिजेंट डैशबोर्ड डज नॉट गिव? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा द स्पीड यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार। बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोबाइल बिजनेस इंटेलिजेंट? अ वॉइस कम्युनिकेट डिवाइस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, स्लाइस एंड डाइस इज अ टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब डिवाइडिंग अ क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंटू स्मॉल पार्ट्स स्पेशली इन ऑर्डर टू एनालाइज इट मोर क्लोजली और इन डिफरेंट वे। टोटल 10 क्वेश्चन हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं सर्टिफिकेशन के, और अब हमारे
हमारे पास आखिर 5 क्वेश्चंस रह गए हैं। इन्हें भी कंप्लीट करने के बाद हम अपना सर्टिफिकेशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिजनेस इंटेलिजेंट इम्प्रूव सेल इफेक्टिवनेस बाय इनेबलिंग इनसाइड एंड आउटसाइड सेल पीपल टू। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द बेस्ट डेटा अप्रोच फॉर योर बिजनेस, यूज दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री 1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग गुड एंड सर्विसेज इन विच अ प्रोस्पेक्ट इक्लिप्सिटी एग्रीज इन एडवांस टू रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है कि सेलिंग गुड और सर्विसेज से रिलेटेड कौन सी एडवांस मार्केटिंग रिसर्च इन्फॉर्मेशन है। तो ये कहलाता है परमिशन मार्केटिंग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा अबाउट कस्टमर्स एंड देयर रिलेशनशिप। ऑब्वियसली जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कस्टमर्स और उनके बिजनेस के रिलेशनशिप की बात होती है। विद द इंटरप्राइजेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंटरप्राइजेस फ्यूचर सेल एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। तो हम इसे कहेंगे CRM एनालिटिक्स। इस सर्टिफिकेशन कोर्स का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, इन डेटा माइनिंग दिस इज अ टेक्निक यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर एंड एंटिसिपेटेड द कॉन्सिक्यूशन ऑफ चेंज। आपको बताना है फ्यूचर का जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्यूशन है वो क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं डेटा माइनिंग की टेक्निक के अंदर। तो इट इज़ कॉल्ड प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी। अब हम यहाँ से चेक रिजल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं यू गॉट 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट। तो हमने 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस के आंसर को करेक्टली सॉल्व आउट कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है या गलत हो जाता है तो आप इसको दोबारा से भी दे सकते हैं। अब अपना सर्टिफिकेट देख लेते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर सर्टिफिकेट का एक कॉलम आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपकी परसेंटेज 100% है और ये कहता है यू आर नाउ एलिजिबल टू डाउनलोड द कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है आपके पास आपका खुद का ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन का। ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के बारे में बता दूं कि ये काफी ज्यादा वैल्यूज रखते हैं। तो इस तरीके से आप इस सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट कर बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट आउट कर अपना खुद का ISO सर्टिफाइड एक अदद सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।